गुजरात में पेटा चूंटणी में जीत बाद मुख्यप्रधान विजय रूपाणी कमलम पहुंचा और कार्यकरोए मेळवेली जीत ने वधावी लीधी। आ प्रसंगे विजय रूपाणीए आगामी दिवसों में योजनारा स्थानिक स्वराज और 2022 की विधानसभा की चूंटणी में जीत मळशे तेवो निर्धार व्यक्त कर्यो। तो पेटा चूंटणी में जीत बाद नायब डेप्यूटी सीएमए जीत ने श्रेय मतदारों ने कार्यकर्ताओं ने आप्यो। डेप्यूटी सीएमए मतदारों ने सर्वोपरि गणावी भाजपनी विकासनी रणनीति सफल थया होवानो मत दर्शाव्यो। तो पेटा चूंटणी परिणामों बाद कमलम खाते पहुंचा प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल, जीत श्रेय मतदारों ने कार्यकर्ताओं ने आप्यो। सी आर पाटिल नुं मानवुं छे के तेमनी पेज प्रमुख की रणनीति कारगर साबित थई। तो गुजरात की 8 बैठकों की पेटा चूंटणी में भाजप ने भव्य जीत बाद भाजप प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल सूरत पहुंचा। एरपोर्ट पर जीत की उजवणी करवामां आवी। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं पाटिल नुं स्वागत कर्युं। ढोल नगारा वगाड़ी उजवणी करवामां आवी। तो डांग बैठक पर भाजपनी जीत थता कैबिनेट प्रधान गणपत वसावाए खुशी दर्शाई और जीतनो तमाम श्रेय मतदारों ने कार्यकर्ताओं ने आप्यो। राजकोट शहर भाजप कार्यालय खाते दिवाळी जेवो माहोल सर्जायो। भाजपना नेता अने कार्यकर्ताओ जीतनी उजवणी करी एकबीजाने मिठाई खवडावीने खुशी व्यक्त करी। तो अबड़ासामां भाजपना कार्यकर्ताओ ढोल नगारा वगाड़ीने उजवणी करी। प्रद्युम्नसिंह जाडेजानी जंगी बहुमतीथी जीत थता कार्यक्रममां अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो। डांग बैठक पर विजय बनेला भाजप नेता विजय पटेलनुं विजय सरघस काढावामां आव्युं। कार्यकरो ने कांग्रेस माथी भाजपा जोड़ायेला मंगल गावित पटेल ने खभा पर उंचकीने बहार ले गया। भव्य विजय सरघस काढ़ी उजवणी करवामां आवी। कच्छनी अबड़ासा बैठक पर भाजपनी जीत 31 राउंड बाद भाजपना प्रद्युम्नसिंह जाडेजा 37,928 मत थी जीत्या। परंपरा तोड़ीने भाजप उम्मीदवार इतिहास रच्यो। पहला क्यारे रिपीट के पक्षपलटो उम्मीदवार की जीत नहीं थी। कांग्रेसना प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ाए पण पराजयनो स्वीकार कर्यो। कांग्रेस भवन पर पत्रकारों साथेनी वातचीतमां अमित चावड़ाए कह्युं के भाजपनी सत्ता लालसाना कारणे कोरोना काळमां आ पेटा चूंटणी आवी छे। तो विपक्षना नेता परेश धानाणीए हार स्वीकारी ट्विटर पर कविता लखी सीएम रूपाणी प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिलने अभिनंदन आप्या। हार्दिक पटेले पण पराजयनो स्वीकार कर्यो। धानाणीए कह्युं के पराजयए कांग्रेसनी उणपनो हिस्सो। कांग्रेस नेता जयराजसिंह भाजप पर प्रहार। भाजपना शामदाम दंडभेदी नीति थी सत्ता और पैसा दुरुपयोग कर प्रजा आक्रोश में मतदान करे ती अपेक्षा थी, परंतु गद्दारी करी ए लोगों विजय थयो। तो पेटा चूंटणी में कांग्रेस कारमो पराजय थता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने विधानसभा में विपक्ष नेता परेश धानाणीए राजीनामु आपवानी तैयारी दर्शाई। बंने नेताओं कांग्रेसना पराजय की नैतिक जवाबदारी पोताना माथे लीधी छे अने हाईकमांड ने मौखिक रजूआत करी। तो मोरबी बैठक पर भाजपना उम्मीदवार ब्रिजेश मेरजानी जीत थई। ब्रिजेश मेरजानी जीत बाद कार्यकर्ताओं जीत की उजवणी करी। तो ब्रिजेश मेरजाए पोतानी जीतनो श्रेय कार्यकर्ताओं ने मतदारों ने आप्यो अने प्रजाए फरी एक बार विकास की राजनीति स्वीकारी होवानो मत व्यक्त कर्यो। तो मोरबी बैठक पर कांग्रेस उम्मीदवार भाजप पर आरोप लगवाता कहूं कि मोटा शहर में भाजपे नेताओं ने खरीदी लीधा है। अपक्ष उम्मीदवारों ने वधारे मत मब्या कांग्रेस ने ओछा मत मब्या हो दावो करो। जारी कि पेटा चूंटणी में कांग्रेस की हार ने लई मंथन कर मोरबी बैठक पर सांसद मोहन कुंडारिया किंगमेकर बनया। कुंडारिया की अपक्ष उम्मीदवार उभो करने रणनीति कांग्रेस ने भारे पड़ी। अपक्ष और नोटा ने कुल 12,000 मत मब्यांग्रेस ने भारे पड़ा। अमरेली धारी विधानसभा बैठक पर भाजपा उम्मीदवार जेवी काकड़िया कांग्रेस उम्मीदवार ने कारमी हार आपी। काकड़िया जीत बाद मतदारों आभार मानवानी साथे कांग्रेस पर प्रहार पण कर्या। अमरेली धारी बैठक पर कांग्रेस ने हार थई। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कोटड़िया हार नो स्वीकार कर्यो। साथ ज कह्युं कि अमे जनता समक्ष जे मुद्दा उठाव्या तेना करता विपरीत परिणाम आव्या छे जेने लईने पक्ष मंथन करशे। लीमड़ी विधानसभा बैठक पर भाजपना किरीट सिंह राणाए पोताना कांग्रेसी हरीफ चेतन खाचर ने कारमी हार आपी। भाजपना उम्मीदवार किरीट सिंह विजय बाद कांग्रेस पर प्रहार कर्या। भाजपा सौनो साथ सौनो विकास मंत्र ने आगळ धपावी जनसेवा कर